हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिमार्केटिंग वॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है हाउ टू मेक ए फुल टाइम करियर आउट ऑफ यूट्यूब। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम यही बात करने जा रहे हैं कि यूट्यूब को एक फुल टाइम करियर कैसे बनाए। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना, क्योंकि काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर हैं या फिर आप सोच रहे हैं एक यूट्यूब क्रिएटर बनने का। ठीक है गाइस, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। मैं हमेशा सारे वीडियो में दो बार तो नहीं बोलता हूँ इस बात को, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको दो बार बोल रहा हूँ। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइज, तो यहाँ पर हम यूट्यूब कैरियर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी आज के डेट में हम जानते हैं कि जब से जियो लॉन्च हुआ है, काफी सारे लोग यूट्यूब पे आए हैं, मतलब यूट्यूब क्रिएटर बने। पहले भी लोग यूट्यूब देखते थे, लेकिन क्रिएटर जो है वो जियो के लॉन्च होने के बाद काफी ज्यादा आ गए थे। तो यहाँ पर ये आने के बाद ही इस करियर के बारे में लोगों को थोड़ा सा और नॉलेज आया। पहले भी था यूट्यूब, पहले भी यूट्यूब पे क्रिएटर्स थे और काफी अच्छे क्रिएटर्स थे। आज के डेट में भी बहुत अच्छे क्रिएटर्स नए आए हैं। ठीक है, आगे और नए क्रिएटर्स आएंगे। ठीक है, लेकिन गाइज यहाँ पर यूट्यूब को एक करियर बनाना है चाहिए या फिर नहीं चाहिए, या फिर अगर करियर बनाते हैं तो किस तरीके से इसको हम एक फुल टाइम करियर बना सकते हैं, ये चीज जानना बहुत जरूरी है। अब सबसे पहली बात करते हैं कि यहाँ पर कोई भी बंदा यूट्यूब पे एक्चुअल में आता कैसे, ये चीज मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि आगे ये काफी रेलिवेंट रहने वाला है। ठीक है, अब जैसे मेरी बात करूं मैं, तो मैं अगर सच्चाई बताऊं तो जब मैं अपने ऑफिस जाता था, ठीक है, जब मैं पहले जॉब कर रहा था तो मैं ऑफिस गया था, तो मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि उस ऑफिस में एक बंदा है जो यूट्यूब पे काम कर रहा है और उसकी अर्निंग हो रही है। ठीक है, उससे पहले मैंने यूट्यूब के बारे में सुना था, यूट्यूब पे वीडियो ही बनाए थे, लेकिन हुआ ये था कि मैंने उस चैनल को मोनेटाइज नहीं किया था, मैंने उसको इतना सीरियसली नहीं लिया था। एक दो वीडियो ऐसे डाल दी थी, उसके आगे मैंने उसको ज्यादा काम किया नहीं और इस तरीके चल रहा था। लेकिन जैसे मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि यार कि एक बंदा है जो अर्निंग कर रहा है उससे, मैंने सोचा कि यार चलो एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले जो किया उसको डिलीट करके एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक नया चैनल क्रिएट किया और इस तरीके से मैंने शुरू किया। ठीक है, वैसे ही आप सभी के पीछे कोई ना कोई रीजन रहा होगा। आप में से जिन लोगों ने भी यूट्यूब पे अपना चैनल बनाया, उन सभी का कोई ना कोई रीजन बनाया हो रहा होगा यूट्यूब पे आने का। ठीक है, किसी ने हो सकता है सजेस्ट किया हो, कुछ मेरा ही केसेस होंगे। मुझे लगा ज्यादा से ज्यादा जो केस होते हैं वो मेरे जैसे ही होते हैं, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं वो यही सुन के आते हैं कि कोई और बंदा उससे कमाई कर रहा होता है। ठीक है, ज्यादातर लोग यही बोले। मैं कोई बहुत बड़ा यहाँ पर फिलोसफी नहीं जानने वाला हूँ, मतलब मेरा बहुत ही इंटरेस्ट था यूट्यूब में, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस ऐसा बताया था। लेकिन जब मैंने पहले पहले अपना वीडियो बनाना शुरू किया था, मुझे अर्निंग के बारे में मुझे जब पता नहीं था, उससे पहले से लेकर मैं इस चीज के बारे में सोच जरूर रहा था, क्योंकि मैं टेक्निकल गुरुजी के वीडियोस को देख के बहुत ज्यादा मोटिवेट हुआ था, बहुत ज्यादा मोटिवेट हुआ था। मतलब उस बंदे के लिए मेरे मन में बहुत ही ज्यादा रेस्पेक्ट है, क्योंकि जिस तरीके का काम वो करते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता आज उसके डेट आज के डेट में उनके व्यूज कितने आते हैं, उनके कितने सब्सक्राइबर्स हैं, उसमें कितने व्यूज आते हैं, क्या रहता है, चैनल डाउन हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। डेडिकेशन जो है आज भी उस बंदे जितना यूट्यूब पे किसी का नहीं है, तो इसीलिए कमाल का बंदा है। ठीक है, तो आज के डेट में भी मैं बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ टेक्निकल गुरु जी की, और पहले भी करता था, और इसी वजह से मैं कहीं ना कहीं यूट्यूब पे आया हूँ। सिर्फ कोई बंदा अर्निंग कर रहा है ये सुन के मैं यूट्यूब पे नहीं आ सकता था, ये बात मैं अच्छी तरीके जानता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत कुछ करके अर्निंग कर रहे हैं। तो मैंने सारा सब कुछ थोड़ी किया, तो यूट्यूब पे आया ना, तो यूट्यूब पे आने का जो रीजन है वो टेक्निकल गुरु जी की वीडियो से, मतलब मेरा ये रीजन रहा, आप सभी का कोई ना कोई रीजन रहा होगा। ठीक है, अब हम आ चुके हैं यूट्यूब पे, अब अगला काम क्या होना चाहिए। अब यूट्यूब पे आने पर हम लोग करते क्या, जैसे मैं अपनी बात करता था, मैं ऑफिस में था, मैं जॉब कर रहा था, साथ में यूट्यूब क्रिएट किया, तो मैंने सोचा कि यार थोड़ी अर्निंग यहाँ से होगी, थोड़ी अर्निंग यहाँ से होगी। ठीक है, ऐसे सोच के मैं यूट्यूब पे आया था, क्योंकि अब मुझे उस टाइम कोई ये नहीं समझा रहा था कि भाई यूट्यूब जितना अपन सोच रहे हैं उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। मतलब यूट्यूब की लिमिटेशन नहीं है, अब जॉब की, बिजनेस की, हर चीज की एक लिमिटेशन होती है, कहीं ना कहीं जाके सैचुरेट हो जाते हैं, लेकिन यूट्यूब जो है वो कहीं पर भी जाके सैचुरेट नहीं होता। सैचुरेट मतलब कि एक ऐसा पॉइंट नहीं आता हमारे लाइफ में कि जो यूट्यूब है वो मतलब अब आगे नहीं बढ़ सकते, ऐसा पोजिशन नहीं आती यूट्यूब में। ठीक है, तो वो चीज हर चीज में आता है, मतलब जॉब करते हैं तो वहां पर भी एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे हम सैचुरेट हो जाते हैं। मतलब सैचुरेट होने का मतलब ये नहीं कि मतलब हमारा आगे उस कंपनी में और बड़ी पोजीशन नहीं होगी, तो उस चीज को सैचुरेशन नहीं बोलते हैं। ठीक है, उस चीज को भी सैचुरेशन मतलब, सैचुरेशन मतलब एक उम्र आता है हमारा, उस उम्र के आगे हम फिर वो काम नहीं कर पाते। ठीक है, हमें अपनी जगह छोड़नी पड़ती है और यंगस्टर्स वहां पर आते हैं। ठीक है, और बिजनेस में भी कुछ ऐसा रहता है कि हम एक पॉइंट ऑफ
मतलब जगह तक जाके हम उसको आगे हम ले जाने का हमारे पास कोई ज्यादा ऑप्शन नहीं है, लेकिन यूट्यूब में बहुत ज्यादा ऑप्शन है। ठीक है, तो ये एक यूट्यूब पे आने का एक बहुत बड़ा जो रीजन था कि मुझे मतलब कुछ कुछ मैं समझ में आ रहा था, लेकिन मैं चैनल एक्चुअल में स्टार्ट किया तो मैंने इस चीज को सोचा नहीं। मैंने सिर्फ इतना सोचा था कि थोड़ी अर्निंग यहाँ से होगी, थोड़ी अर्निंग जॉब से होगी। ठीक है, जैसे जैसे मैं यूट्यूब पे काम करता गया मुझे चीजें समझ में आती गई, और फिर मैं एक सच्चाई को समझ गया कि यूट्यूब के सामने कुछ भी नहीं है। एक्चुअल में यूट्यूब के सामने कुछ भी नहीं है। ये इसका कहने का मतलब कि कोई जॉब बिजनेस कुछ भी नहीं है, मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि यूट्यूब आज के डेट में भी मैं इमेजिन नहीं कर सकता यूट्यूब मुझे कहाँ तक लेके जा सकता है। ठीक है, ये यूट्यूब की सच्चाई, ये गहराई है यूट्यूब की। ठीक है, अब इस चीज को प्रॉपरली मैं आपको समझाता हूँ। अभी तक तो थोड़ी बहुत हमने देखा जाए तो मैंने मैंने बना के सुना से भी नहीं जानूंगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा हो गया है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में ऐसा क्यों कह रहा हूँ। गाइस देखो, यूट्यूब पे जब आता है बंदा तो वो सबसे पहले क्या सोचता है, व्यूज के बारे में। ठीक है, अब सिर्फ काम की बात करेंगे, आपको यूट्यूब पे आने के बाद व्यूज के बारे में नहीं सोचना है। अगर व्यूज के बारे में सोचोगे तो मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। अब मैं जो कह रहा हूँ वो आप अपने आपके साथ रिलेट कर पाओगे। मतलब हम यूट्यूब पे आए और हमने एक वीडियो बना लिया यूट्यूब पे, और उसके बाद क्या होता है, उस वीडियो पे व्यू नहीं आता है। जैसा कि मैंने कहा, कोई आपको सजेस्ट करता है यूट्यूब के बारे में और आप यूट्यूब पे चैनल क्रिएट कर लेते हो, आपने एक वीडियो बनाया, उस वीडियो पे व्यू नहीं आएंगे, सीधी बात नहीं आएंगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा कि हम अपने फ्रेंड से बात करेंगे, रिलेटिव से बात करेंगे, तो वो क्या बोलेंगे हमें कि एक काम कर, इस टॉपिक को छोड़, दूसरे टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम दूसरे टॉपिक वीडियो बनाएंगे जिस पर वो कह रहे हैं, उस टॉपिक पर उल्टा और भी कम व्यू आएंगे। ठीक है, फिर हमको कोई और कुछ सजेस्ट करेगा, फिर हम उस पर वीडियो बनाएंगे तो उस पर और भी कम व्यू आएंगे। फिर हम अपने ही लोगों को बोलेंगे कि यार मतलब व्यूज वीडियो को देख लो, और इस तरीके से क्या होगा, लोग जो हमारे वीडियोस को देख रहे होंगे वो हमारे वीडियो एक्चुअली में देखना चाहते नहीं होंगे, हमारे कहने की वजह से देख लो। इससे क्या होगा, ऑडियंस रिटेंशन कम होगा, हमारा चैनल डाउन हो जाएगा, और हमें कभी समझ में आएगा कि नहीं हम कहाँ तक ग्रो कर सकते थे। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम होती है। अब एक्चुअल में करना क्या चाहिए यूट्यूब पे आके, यूट्यूब पे जब आप आते हो तो उससे पहले आपको ये प्लान करना, अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल स्टार्ट नहीं किया तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपके पास अब प्लान करने का मौका है। लेकिन अगर आपने चालू कर दिया है तो आपको दूसरे चैनल के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अगर आपने प्लानिंग नहीं की है तो। अब हम यूट्यूब पे क्यों आते हैं ये हमें सबसे पहले सोचना है कि सिर्फ व्यूज के लिए नहीं आना है यूट्यूब पे, क्योंकि देखो यूट्यूब व्यूज के लिए तो बहुत कम जाना जाता है। यूट्यूब को हमें एक बिजनेस की तरह देखना चाहिए, एक स्टार्टअप की तरह देखना चाहिए, और हम एक एंटरप्रेन्योर होते हैं। जब हम यूट्यूब पे आते हैं, हम एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हैं, तो हम व्यूज के लिए नहीं आ रहे यहाँ पर, हम यहाँ पर आते हैं एक स्टार्टअप क्रिएट करने के लिए, या फिर हम एक एंटरप्रेन्योर की तरह आते हैं, जिससे कि हमें अपने इस चैनल को एक बिजनेस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब एक बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए आप एक दिन एजुकेशन वीडियो डालोगे, अगले दिन गाने का वीडियो डालोगे, अगले दिन आप मुजरे करोगे, इस तरीके से आप यूट्यूब पे आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, यूट्यूब पे आगे बढ़ने के लिए हमारा एक थीम होना चाहिए चैनल का। ठीक है, एक थीम मतलब कि अगर आप एक टॉपिक पे चल रहे हो, एक नीश में चल रहे हो, तो आपको उस नीश में चलना है। ठीक है, ताकि आपकी एक पहचान बने। ठीक है, मार्केट में बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने एक नीश को पकड़ के बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुए हैं, तो मतलब ऐसे लोगों को आपको देखना है कि उन लोगों ने किस तरीके से अपने YouTube चैनल को एक ब्रांड बनाया। ठीक है, तो ये चीज बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हमें ये देखना है कि हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो नीश है, वो लोगों की किस तरीके से हेल्प कर सकता है, हम उनके पेन पॉइंट्स क्या है, हमें ये समझना होगा, और हमारा जो वीडियो होना होना होगा वो उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, मतलब हम एक दिन यूट्यूब पे आते हैं और लोगों को बोलते हैं कि हमको सब्सक्राइब कर लो, हमारे वीडियोस को देख लो, ठीक है, और हमको फॉलो कर लो, हर जगह पे हमें फॉलो कर लो, हमें एक इन्फ्लुएंसर बनाओ। क्यों क्यों बनाए, लोग आपकी वीडियो को क्यों देखे, आपको क्यों सब्सक्राइब करें, आपको क्यों फॉलो करें, आपको उसका एक रीजन देना पड़ेगा, और वो रीजन क्या होगा, आप उनको वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो। अगर कोई वीडियो आपको वैल्यू प्रोवाइड करवाता है, चाहे वो वैल्यू एंटरटेनमेंट के फॉर्म में हो, चाहे वो वैल्यू नॉलेज के फॉर्म में हो, किसी भी तरीके से हो, अगर आपके जिंदगी में वो वीडियो एक वैल्यू ऐड करता है, तब जाके हम उस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, ताकि फ्यूचर में हमें और भी ज्यादा वैल्यू मिले उस चैनल से। ठीक है, तो ये एक रीजन रहता है, तो ये रीजन आपको अपने व्यूअर्स को देना पड़ेगा, तब जाके आप एक इन्फ्लुएंसर बन सकते हो, आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, और आपका बिजनेस ग्रो कर सकता है। ठीक है, आपको सबसे पहले अपने ऑडियंस को समझना होगा कि हम मेरे ऑडियंस को क्या चाहिए मुझसे। अगर आप उन ऑडियंस को वो चीज अगर आप प्रोवाइड करवा दे, तो आप उनके बीच में एक ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो, और जब एक ट्रस्ट बिल्ड कर देता है कोई यूट्यूब चैनल, तो वो एक बिजनेस में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद आप जो चाहे प्रोडक्ट उनको सेल कर सकते हो, क्योंकि आपने एक भरोसा बना लिया। अगर आपके बातों में भरोसा है तो आपके प्रोडक्ट में भी भरोसा होगा। ये एक बहुत बड़ी चीज होती है, इस चीज को हमेशा याद रखना कि
YouTube चैनल सिर्फ व्यूज के लिए नहीं होता। आज अगर कोई मूवी रिलीज हुई है KGF, तो आप उस टॉपिक पर, उस ट्रेंडिंग टॉपिक पर अगर आप एक वीडियो बना दोगे तो आपको कुछ व्यूज तो मिल जाएगा, लेकिन आप एक ब्रांड नहीं बन पाओगे। ठीक है, ब्रांड आप तभी बनाओगे जब आप अपने टॉपिक पर टिके रहोगे, ना कि ट्रेंडिंग टॉपिक्स के पीछे पाओगे। ट्रेंडिंग टॉपिक्स आपको व्यूज जरूर मिलेंगे, आपको सब्सक्राइबर जरूर मिलेंगे, लेकिन जो सब्सक्राइबर्स होंगे उन्हें KGF से मतलब होगा यार, उनका आपसे कोई मतलब नहीं होगा। आपको ऐसे वीडियोस बनाना है जिसमें लोगों को आपसे मतलब हो, लोग आपको ट्रस्ट करें। ठीक है, तो व्यूज से कहीं ज्यादा ये चीज मैटर करती है। और आप अगर मेरे चैनल पे देखोगे तो मैंने ऐसे ही वीडियोस बनाए जिसके अंदर कहीं ना कहीं कोई स्कोप रहता है प्रोडक्ट का। ठीक है, एक प्रोडक्ट का स्कोप हो, एक सर्विस का स्कोप हो, मैंने ऐसे ही वीडियोस बनाए। आप मेरे कितने भी वीडियोस को उठाकर देख लो, सारे वीडियोस में आपको एक प्रोडक्ट या सर्विस देखने को मिलेगा जो कि मुझे आगे जाके बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। मेरा एक गोल है इस YouTube चैनल के साथ, जो आप अभी ये YouTube चैनल देख रहे हो, डी मार्केटिंग गोल, इसके साथ मेरा एक टारगेट है। मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरे वीडियो से व्यूज कितने आते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो व्यूज है, जितने भी व्यूज आते हैं वो क्वालिटी व्यूज है, वो मुझे ऑडियंस रिटेंशन देखते हैं, वो उससे मेरा भरोसा बिल्ड होता है लोगों के ऊपर, लोगों को मेरे वीडियो से फायदा मिलता है। हो सकता है ऐसे वीडियोस की रिक्वायरमेंट कम लोगों को हो, लेकिन जितने लोगों को हो उन लोगों के मन में मेरे लिए एक अच्छा खासा भरोसा बैठ जाएगा, और जो कि मुझे आगे जाके बहुत फायदा करेगा। ठीक है, इससे मैं एक एंटरप्रेन्योर बन सकता हूँ, उससे मेरा जो मैं एक अच्छा खासा इन्फ्लुएंसर बन सकता हूँ, जिससे मुझे स्पॉन्सरशिप्स मिल सकती है, जिससे मुझे काफी आगे जाके बहुत ज्यादा सक्सेस मिल सकता है मुझे। ठीक है, तो ये मेरा टारगेट है मेरे यूट्यूब चैनल के साथ। तो आपको देखना है कि आपका क्या टारगेट है, आपको एक टारगेट लेके यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, ना कि आपको सिर्फ किसी के कहने से एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है। यूट्यूब चैनल में जो व्यूज हमें मिलते हैं, उस व्यूज पर जो अर्निंग होती है, ठीक है, वो कभी भी कम हो सकती है, क्योंकि अगर कल को आपने जो वीडियो बनाया उस पर अगर कल को व्यूज आने बंद हो गए तो क्या हुआ, व्यूज खत्म, आप कुछ भी नहीं बन पाए और व्यूज भी नहीं आ रहे, व्यूज के थ्रू जो अर्निंग हो रही है वो भी कम हो गई। तो इससे आपको कुछ फायदा नहीं होने वाला, आपको एक नीश में टिके रहना है और उस नीश में आपको परफेक्शन हासिल करना है, और उस वजह से लोग दूसरों के कंपेरेटिवली आपको प्रेफर करेंगे। ठीक है, जब कोई कंपनी स्पॉन्सरशिप देने वाली होगी, अगर आपके नीश में अगर आपका अच्छा खासा कंट्रोल रहेगा, आपकी अच्छी खासी पकड़ होगी आपके नीश में, तो उस नीश से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स होंगे, जो भी सर्विस होंगे, उसकी स्पॉन्सरशिप होगी वो आपको मिलेगी, और ज्यादा से ज्यादा पैसों में आप उस स्पॉन्सरशिप को कर सकते हो। तो ये एक फायदा आपको देखने को मिलता है। ठीक है, नहीं तो दूसरा ऑप्शन ये रहता है, आप उस नीश से रिलेटेड एक एप्लीकेशन बना सकते हो, एक वेबसाइट बना सकते हो। ठीक है, और उस वेबसाइट के मार्केटिंग के लिए आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपका चैनल ही आपके बिजनेस को प्रमोट कर सकता है। ठीक है, आप अपने चैनल के थ्रू अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो, अगर आपका चैनल पहले से ही टारगेटेड हो तो। लेकिन अगर मान लो कि आज KGF रिलीज हुआ, कल कोई मार्वल्स की मूवी रिलीज हुई, आप उसके बारे में अपने चैनल पे बात कर रहे हो, तो कभी भी आपका वो चैनल आपके उस पार्टिकुलर न्यू बिजनेस को प्रमोट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके चैनल एक नीश में है ही नहीं। तो गाइज ये चीज को आपको ध्यान रखना है कि फ्यूचर में आपको अपने चैनल के साथ क्या करना है। अगर आप इस चीज को अच्छी तरीके से जानते हो तो सारा काम छोड़ दो और अपने यूट्यूब चैनल को टाइम दो, आपका करियर यूट्यूब बना देगा। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे आपको बतानी थी। और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक देखा है तो आज आपने कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चीज सीख ली होगी। ठीक है गाइस, फिर भी अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि इससे मुझे आगे वीडियोज बनाने की और मोटिवेशन मिलती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद है वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।